ये देर से आया मैं और आप लोग इंतजार कर रहे हैं काफी देर से रोजे में। मैं अगर अपना दिल निकाल के आप लोगों के सामने रख दूं कि मैं कितना खुशी महसूस कर रहा हूं आप लोगों की, कि मैं एक खूबसूरत जमीन पे खूबसूरत लोगों के बीच में हूं और मेरी काफी अरसे से ख्वाहिश थी। मुझे यहां से बहुत से लोगों के पैगामात आते रहे मेरे फेसबुक पे मेरे ट्विटर पे कि आप कब आएंगे इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो वादा किया था आज वो वादा पूरा हुआ कि मैं आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे और आप लोग की इस खूबसूरत शहर को खूबसूरत गांव को देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने लिए घर बना लूं ताकि आप लोगों के साथ। मुझे खुशी के साथ साथ दुख भी है और अफसोस भी है कि यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर मेरे वो कश्मीर भाई वो कश्मीर बहने हैं जो पता नहीं कितने अरसों से हिंदुस्तान की फौज के निशाने बने हुए उनके जुल्म और सितम के निशाने पे हैं वो लोग। इंशाल्लाह मैं अपनी इसी जिंदगी में वहां जाऊंगा और वहां जाके इसी तरह खड़े होके इसी तरह मैं उन्हें आजादी की मुबारकबाद दूंगा इंशाल्लाह। दुनिया के जितने भी सियासतदान हैं वो हमेशा भाईचारे की बात करते हैं अमन की बात करते हैं, ये मैं अच्छे सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं लोगों को आपस में जोड़ने की बात करते हैं वो। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह मजहब को सियासत को लेके चल रहे हैं और जो सियासत और मजहब की आग को इस वक्त दुनिया में लगाया हुआ है जिस तरह इंसानियत का खून वो आदमी कर रहा है उसको इसका जवाब देना पड़ेगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। मोदी साहब को एक बात लाजमी कहूंगा कि इतने छोटे से कश्मीर में उन्होंने 7 लाख फौज खड़ी की हुई है, क्या वो इतना बहादुर आदमी है कि एक एक छोटे से कश्मीर में 7 लाख फौज और ये 7 लाख फौज तो हमारे पूरे पाकिस्तान की 7 लाख फौज है। लेकिन मोदी साहब हमारी पाकिस्तान की फौज तो 7 लाख है लेकिन उस 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ आवाम वो पीछे खड़ी है। हमारी पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं चाहे वो कोई भी सूबा हो कोई भी बॉर्डर हो उन सबको फौजी जवानों को मैं सलूट करता हूँ और खास तौर पे जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उन्होंने जिस तरह 5 मार्च का साथ दिया उन सारे लोगों को मैं सलूट पेश करता हूँ। मेरे ख्याल में मोदी साहब ये कोरोना जो वबा है ये तो खत्म हो जाएगी लेकिन आपके दिलो दिमाग में जो बीमारी इस वक्त मजहब के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से चल रही है वो बहुत बड़ी वबा है, वो दुनिया को पूरे लपेटे में ले लेगी। और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपने दिलो दिमाग को साफ करके चले। पाकिस्तान हुकूमत ने हमेशा अमन की बात की है आपके साथ, आप जो अपने चूजे भी जाते रहते हैं कभी अफगानिस्तान के जरिए कभी बलूचिस्तान में कभी यहाँ से और कभी हवा के जरिए चूजे भिजवाते हैं उनको हम गिराते हैं उनको चाय पिलाते हैं और वो ये बताते हैं कि चाय बहुत जबरदस्त थी पाकिस्तान की और हम आपके वो चूजे आपको वापस भिजवाते हैं किसी के प्रेशर से नहीं सिर्फ हम अमन पसंद समय
हम अमन चाहते हैं। वो दिन भी मुझे याद है जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर खुले हुए थे। इंडिया के लोग पाकिस्तान में आते थे और पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाते थे। आपस में हमारे ताल्लुकात बहुत जबरदस्त थे। लेकिन आप जो आग लगा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि जो आग लगा रहे हैं इसमें कहीं हिंदुस्तान के पढ़े लिखे इज्जतमंद अच्छे लोग कहीं उस आग में ना जल जाएं आपकी वजह से। और मोदी साहब, एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे बड़ों ने आपके बड़ों को पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास एक मुल्क है, हमारे पास बहुत मुल्क है। मजहब की लड़ाई ना लड़े, प्यार और अमन की बात करने वाले लोग हैं हम। प्यार से बात करेंगे, प्यार से जवाब देंगे। अगर गोली से करेंगे तो वो जवाब भी हमें देना आता है। एक सवाल रोजा भी तुम्हारा। एक और चीज के एक सवाल मैं पहले भी पूछता था और एक सवाल मैं आज दोबारा इस जमीन पे खड़े होकर पूछूंगा कि हमारी पाक फौज ने और हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन की टीम को यहाँ पे बुलाया कि ताकि वो गवाह रहे कि कौन फायर करता है और कौन सिविलियंस को मारता है, बच्चों को, औरतों को, बड़ों को, बुजुर्गों को कौन टारगेट करता है बॉर्डर के। हेलो सिलो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की टीम है। यूनाइटेड नेशन किस मर्ज की दवाई, मुझे ये समझ नहीं आया। यूनाइटेड नेशन का जो रोल है क्या वो रोल अदा कर रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो रोल अदा कर रही है। हमें ये भी पता है यूनाइटेड नेशन और दुनिया, बाकी जो दुनिया है, हमें पता है कि ट्रेड के लिए इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन अपनी आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है इस वक्त हमारे साथ। और ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगी इंशाल्लाह। वो हिटलर था जर्मनी का हिटलर भी था। जब हिटलर मर गया तो जर्मनी की कौम सारी जिंदगी बल्कि अभी तक शर्मिंदा है और माफी मांगती है सारी दुनिया से। मोदी साहब, वो दिन ना आ जाए कि आपके जाने के बाद पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा हो और पूरी कौम से आग और दुनिया से आग ना मिला सके आपकी वजह से। उस दिन से डरे आप। मेरा कश्मीर से ताल्लुक कोई अभी का ताल्लुक नहीं है। मेरा कश्मीर से ताल्लुक बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे दादा अब्दुल बाकी साहब को यहाँ से, यहाँ के वजीर आजम ने गाजी कश्मीर का लकब दिया। तो इसलिए ये आग मेरे दिल में है और ये आग मेरे दिल में आखिर तक रहेगी जब तक वो लोग आजाद नहीं होंगे इंशाल्लाह। बाकी शायद अफ्रीका फाउंडेशन तकरीबन कोई 50 दिन से मैं निकला हूँ घर से और पाकिस्तान के कोने कोने तक, वहाँ तक लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया। जितनी भी एनजीओज हैं, मैं पाक फौज का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे एक्सेस दिया यहाँ पे आप लोगों के पास मिलने का। यहाँ पे जो पुलिस है, यहाँ की डीसी साहब, उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से ताल्लुक रहेगा, मैं यहाँ आता रहूंगा। अभी इंशाल्लाह कोटली से जो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड का मुझे पता चला कि क्रिकेट ग्राउंड है, इंशाल्लाह वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए एकेडमी, इंशाल्लाह एकेडमी जो फौज जो बनाएगी इंशाल्लाह उसको रन करने के लिए मैं खुद यहाँ पे आऊंगा और बच्चों के लिए उस चीज के लिए मैं इंशाल्लाह बच्चों के साथ काम करूंगा, लाजमी आऊंगा, टाइम दूंगा। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है, जो हुकूमत की इंस्ट्रक्शन है कोरोना के हवाले से, वो प्लीज इस चीज का लाजमी ख्याल रखें, अपने साथ फासला रखें, थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।